जद्दोजहद और कुर्बानी के लिए उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ। ये उस्मान लाला की शहादत का समर है कि आज नौजवानों में इनकलाबी रूह जाग गई है। नौजवान उस्मान लाला के जद्दोजहद और उनके अफकार की पैरवी के लिए तैयार हैं। अर्ज ये है, हजरत अली का ये फरमान है कि जिस माशरे में सच बोलना मुश्किल हो जाए वो माशरा तबाही से नहीं बच सकता। उस्मान लाला का गुनाह क्या था, उन्हें किस जुर्म की सजा दी गई? हम सब जानते हैं कि उस्मान लाला कभी मसलहत के शिकार नहीं हुए, वो सच बोलते थे, जालिम के खिलाफ हमेशा वो कयाम करते थे और मजलूम जो भी था वो बिला इम्तियाज उनके हक में आवाज बुलंद करते थे। अगर आपको याद हो, जब शहीद का जनाजा कराची से लाया जा रहा था तो आपने देखा कि जहां से बलूचिस्तान का आगाज होता है हर कदम पर बलोचों ने शहीद उस्मान खाकड़ के जनाजे का इस्तकबाल किया। आज उस्मान लाला को यह एजाज हासिल है कि चाहे वो पश्तून हो, बलोच हो, हजारा हो, कोई और हो, सब के सब उन पर फख्र करते हैं, उनकी शहादत को मजलूमों की निजात का एक जरिया समझते हैं। भाइयों, वक्त कम है, मैं मुख्तसरन ये कहता हूं कि आप अंदाजा लगाएं 74 साल 75 साल इस मुल्क को हो रहे हैं, इस मुल्क में सच बोलने पर पाबंदी लगाई गई है। यहाँ जो झूठ बोलता है, मुनाफिकत करता है, रियाकारी करता है, जो खुदगर्ज है, वो हुकूमत के मुहिब वतन करार दिए गए हैं, उन्हें मुहिब वतन समझा जाता है। जो सच बोलते हैं, जो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, जो नाइंसाफी को तस्लीम नहीं करते, जो नाइंसाफी के खिलाफ मुजाहमत करते हैं, वो इस मुल्क के गद्दार हैं, उनके लिए सजाए मौत इन्होंने रखी हुई है। आप अंदाजा लगाएं, अभी मैं परसों की बात कर रहा हूं, हामिद मीर ने सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट दिया कि गुज़श्ता छः माह में लाहौर में 400 से ज़ायद नामालूम लोग कत्ल हुए हैं, नामालूम लोगों की लाशें मिली हैं। नेशनल पार्टी सुबह सरदार उदय सुबह और मरकजी मशरान आलो दो मर्दों से खफास को चिरा मशरान दा फ्रेंड्स दी दानोर मर्दों ने बताला कि शेर ने जलसा के साथ रावावले दा दो दो सुबह आ मलगरो नूर ले लियाने रावर से दिले लियाने नूर नूर हमारे देश और नूर हम देर ज्यादा खलक दी दा सुबह का दिन दा फ्रेंड्स दी दानोर मर्दों से खफास को चिरा वीडियो शेयरिंग के साथ दे तो मैं दा काइंडली वीडियो मुख्तार शेयर करवाई मुहतरम ताहिर खान हजारा साहब स्पीच रवान दे तो बराबर तो वर्जू बराल तास पता दरो समचे नूर है हम अरे लिया जना रवान है जल सता ये सोशल मीडिया पर ये खबर थी कि गुज़श्ता 6 माह में लाहौर में 400 से ज़ायद नामालूम लोग कत्ल किए गए, उनकी लाशें मिली हैं। आप अंदाजा लगाएं ये कैसी रियासत है कि जहां 6 माह के अंदर 400 से ज़ायद लोग कत्ल हुए हैं। ये रिपोर्ट सोशल मीडिया का मंजर आम पर ला रही है, लेकिन ये रियासत इस बारे में कोई वजाहत करने की ज़हमत गवारा नहीं कर रही कि भाई ये कौन थे ये ना मालूम, इनको किसने कत्ल किया,
इनको इनका गुनाह क्या था, आखिर इनका कसूर क्या था। तो भाइयों बात यह है कि पाकिस्तान, साफ साफ कहता हूँ, पाकिस्तान एक नया नाकाम रियासत है और इसके लिए बेशुमार शवाहिद, खुद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुहैया कर रही है कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है और ये आलमी सतह पर इसको रसवाई का सामना है। आज इस मुल्क में जिस बदतरीन माशी बहरान का सामना है, जिस बदतरीन सूरत-ए-हाल का सामना है, ये इसके आमाल और किरदार का नतीजा है। मेरे भाइयों उस्मान काकड़ शहीद ने कुर्बानी दी, उसके नतीजे में आज पूरे पाकिस्तान के मजलूम कौमियतों और मजलूम तबके में इनकलाबी रूह बेदार हुई है। आज हर गली कूचे से इंशाल्लाह उस्मान काकड़ मिलेंगे। हम वाजे तौर पर यह ऐलान करते हैं कि अगर पाकिस्तान बचाना है, अगर तुमने पाकिस्तान को मुतहद रखना है, तो ये गुलाम बनाने और महरूम कौमियतों के हुकूक से इनकार, ये जुल्म और बर्बरियत का जो साजिशी थीड़िया है, इसको तुमने खत्म करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि पाकिस्तान कायम रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि कौम से माफी मांगो, आओ मुनाफिकत और लूटमार का सिलसिला तर्क करो, आओ इस लोगों के साथ बगलगीर हो जाओ। वरना मैं साफ कहता हूं कि अब जिस सिलसिले को 70 साल हो रहे हैं, जिस मुनाफिकाना और मुजरिमाना सोच को तुम पाकिस्तान के लिए तुम कायम दायम रख रहे हो, ये पाकिस्तान के खात्मे पर मुंतज होगी। चाहे मेरी बात तुम्हें पसंद हो या ना हो, ये मुल्क बाकी नहीं रहेगा। अगर मौजूदा सिलसिला बरकरार रहता है, तो ये मुल्क बरकरार नहीं रहेगा। इस मुल्क की सलामती के लिए ये लाजमी है कि पश्तूनों के हकूक तस्लीम करो, बलोचों के हकूक तस्लीम करो, मजलूमों को इंसाफ दो। ये निजाम जो आजकल राइज है, ये निजाम पाकिस्तान के खात्मे पर मुंतज होगी। लिहाजा मैं आखिरी बार ये कहता हूँ, मैं वाज़े अल्फाज़ में कहता हूँ कि ये जो मुहिब्बे वतन और कौम दुश्मन गद्दार इस किस्म के जो इस्तिलाहात है, ये अब करामत नहीं रहे। अब बच्चा बच्चा जानता है कि जालिम कौन है। अब हर एक को पता है कि 1 लाख से ज़ायद मजलूम लोगों का कत्लेआम जो नामालूम के नाम से कराया गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। हम साफ कहते हैं, अगर इंसाफ नहीं होगा, अगर जुल्म का खात्मा नहीं होगा, अगर हुकूक तस्लीम नहीं करोगे, तो फिर याद रखो तुम्हारा वही अंजाम होगा जो पलटन मैदान में, ढाका के पलटन मैदान में तुम्हारे साथ हुआ, वो यहाँ होगा। डेरा मनाना